हिंदी में व्याकरण और व्याकरण में हम बताने जा रहे हैं संक्षेपण से क्या तात्पर्य है। संक्षेपण वही बोलो। व्याकरण क्या है? व्याकरण बोलो यानी वैसा शास्त्र जो शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध सभी जानकारी आदान प्रदान करना बोलचाल में या किस भी विधि में, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। तो दुनिया में जितनी भाषाएं हैं सभी का अपना अपना व्याकरण, सभी का समझा ना। जैसे कि हमारी कौन सी भाषा है? मातृभाषा हिंदी है। अपनी घरेलू भाषा भी है, जैसे कि यहाँ पर अंगिका की खबर से है ना, अंगिका भी है, उनका भी अपना व्याकरण है। उर्दू है, उनका भी व्याकरण है। अरबी फारसी है, उनका भी व्याकरण है। अंग्रेजी है, उनका भी व्याकरण है। उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रामर। उसी तरह जो हमारा हिंदी व्याकरण है उनमें एक महत्वपूर्ण अध्याय है संक्षेपण। हालांकि संक्षेपण उनमें नहीं आता है, व्याकरण के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन व्याकरण का जब उपसंहार है उनमें ही आता है। क्या आता है? संक्षेपण। तो संक्षेपण से तात्पर्य होता है कोई भी लंबा कोई भाषण दिया ठीक, या कोई लंबा कोई निबंध है उसको संक्षेप में लिखना। जैसे कि कोई कहानी तुम जानती हो और घर में उस कहानी को तुम बताने जा रही है, लेकिन समय मात्र 5 मिनट है तुम्हारे पास और कहानी है 1 घंटे का और 1 घंटे की कहानी तुम 5 मिनट में बताओ, तो ये क्या करके बताओ? संक्षिप्त करके बताओगे। तो उसी को संक्षेपण करते हैं। तो आओ संक्षेपण एक लिखाते हैं हमें और उसको तुम जो है ये करना है, संक्षिप्त करना है। उसमें संक्षेपण में तुम ये लिखो हिंदी ही लिखना, सुन करो तो बताएंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। यह राजभाषा के रूप में यह तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। देखो हिंदी हमारी मातृभाषा है और यह राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को, हाँ 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को अंगीकार किया गया। तब से हम अंगीकार किया गया पूर्ण विराम दे देना तब से हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 14 सितंबर 1949 से। यानी कि हिंदी दिवस हमारा कब हुआ? 14 सितंबर हिंदी दिवस हुआ। पूर्ण विराम दे। हमारे देश में
हिंदी को, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी, हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी मान्यता है, राष्ट्रभाषा के रूप में भी मान्यता है। इनको मानता है कि यह हमारे जो है राष्ट्र भाषा भी है। गुरुग्राम हमारा देश भारत पंद्रह अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ या स्वतंत्र हुआ, उनका अर्थ एक देखा है, आजाद जो उन्नीस शब्द है और स्वतंत्र जो उन्नीस शब्द है, स्वतंत्र हुआ। कौमा, कौमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्प विराम, अल्प विराम, कौमा को यह अल्प विराम। और पुलिस को आपको क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण विराम, कॉमा। लेकिन आजादी से पूर्व हिंदी को लेकर हमारे सभी नेताओं ने यह कहा कि हिंदी अगर है, हिंदी अगर है तभी हमारा देश, एक सूत्र में बंधकर रह सकता है, सूत्र मतलब यहां फॉर्मूला नहीं, सूत्र से तात्पर्य यहां पर क्या है? फॉर्मूला नहीं है। सूत्र मतलब क्या? जैसे कि फूलों की माला है, फूल बिखरा हुआ है, उसको तुम गूंथ दो, एक माला हो जाएगा। माला मतलब एकत्र होना, सूत्र मतलब होता है देश के सभी कोनों को एकत्र रखना, सभी राज्यों को एकत्र रखना। उस समय जो है कई देशी रियासत थे, अलग अलग देश जो है खंड खंड में था, हालांकि अखंड भारत था, लेकिन देश में कई रियासत, देशी रियासत, कई राजा होने के कारण खंड खंड में था। उसको एकता में लाने का काम जो है हिंदी ने किया, किसने किया? हिंदी ने किया। कई सारी भाषाएं हैं, जैसे हमारी जो अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन उनमें से हिंदी जो है अधिसंख्यक की भाषा है, अधिकांश लोग जो है हिंदी मतलब पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। देश एक सूत्र में बंध पाएगा, आजादी के बाद, कुछ राज्यवासियों को इतराज हुआ। आजादी के बाद कुछ राज्यवासियों को, लिखो, कुछ राज्यवासियों को इतराज हुआ। इतराज, इतराज मतलब आपत्ति, इतराज नहीं शब्द है, आपत्ति लिखो। कुछ राज्यवासियों को आपत्ति हुआ कि हिंदी पूरे देश की भाषा नहीं हो सकती, कि हिंदी और सीखा कि हिंदी पूरे देश की भाषा नहीं हो सकती। की का संबंध है ना,
कि हर्षी कार वाला जब की होगा तो वो दो वाक्य को जोड़ता है। न सुनो, हर्ष कार वाला अगर की होगा, ये अगर की होगा तो ये दो वाक्य को जोड़ता है, ये अगर की है तो दो समूह को जोड़ता है। जैसे कि राम की धर्म पत्नी सीता, तो यहाँ पर कौन सा की होगा? दीर्घ कार वाला। और दो वाक्य अगर जोड़ता है, राम ने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं, मान लिया, तो यहाँ पर कौन सा की हो जाएगा? हर्ष कार वाला। तो कुछ रात के वासियों ने क्या कहा? हिंदी, हिंदी क्या गुजरात वासियों ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक को लिखा है, हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। जैसे तमिलनाडु कौमा पश्चिम बंगाल कौमा पूर्वोत्तर के राज्य इत्यादि, पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट ये पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर, जैसे असम हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, त्रिपुरा हुआ, ये सब पूर्वोत्तर राज्य, ये सब राज्यवासी ने कहा, ये सब राज्य वाले ने कहा कि हिंदी जो है हमारी भाषा, हमारी जो है राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। राष्ट्रभाषा मतलब पूरे राष्ट्र की भाषा। तो इसने क्या कहा कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है एक नहीं हो सकती। उनका तमिलनाडु वाले का कर्नाटक तमिल हमारी भाषा हो सकती है, कर्नाटक वाले का कर्नाटक कन्नड़ हमारी भाषा हो सकती है, उसी तरह केरल वाले ने कहा कि मलयालम उनकी भाषा हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर राज्य में जो है उन्होंने कहा कि हमारी भाषा असम है नस्किया हो सकती है, सबकी अपनी अपनी भाषा मतलब ही है। पूर्ण विराम। इसके बावजूद उत्तर भारत, इसके बावजूद उत्तर भारत, उत्तर भारत बावजूद ग आकार ग जो दुकार ग बावजूद उत्तर भारत कौमा पूर्वी भारत और पश्चिम भारत में हिंदी पढ़ी कौमा बोली और समझी जाती है, और समझी जाती नहीं करी थी क्या? तो समझी जाती। अब ये इतना तुम लिखी है उसको तुम गिनो, शब्द को तुम गिनो, इनमें जो है संक्षेप में दो तरह की है। जैसे कि राम ने, कहीं कहीं कुछ व्याकरण शास्त्री ने ये कहा है कि राम ने ए शब्द है, लेकिन यहां पर जो है राम ने इसे दो शब्द मानने में गिनना है। इस तरह से टोटल गिनो तो कुल गिनो तो कुल गिनो शब्दों की संख्या के संक्षेपण कैसे होते हैं? कुल जो है शब्दों की संख्या की गणना करो। किसी का लिखने के क्रम में हो सकता है कि एक दो शब्द छूट बढ़ सकता है, तो एक दो शब्द का अंतर चलेगा। और कोई
तुम्हारा 115। चलो उसको मानते हैं, कुल शब्द क्या हुआ उसको नीचे लिख दो, कुल शब्द, कुल शब्द बराबर 115 है ना। संक्षेपण जब इसका करेंगे हम, बोले कि जो चीज हम लंबा लिखे, ये लंबी भाषण है, उसको छोटा करेंगे, संक्षिप्त करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट कैसे की जाती है, एक अलग पृष्ठ जो है तुम्हारे पास, जैसे कहीं पर जो है यहां पर लिख दो ये रफ कार्य, रफ कार्य हेतु, मतलब होता है के लिए, अंडरलाइन कर दो इसे, नीचे जो है एक रेखा की, तो रफ कार्य हेतु इसमें 115 को क्या करो, देखो यहां की गणित है, तीन से भाग, इससे भाग देना है, तीन से भाग किसको, दो पांच और फिर आगे जैसे इसको छोड़ दो, इतना हुआ 38। ये तुम्हारा 38 शब्द में इसको लिखना है, और लिखने के साथ साथ एक उपयुक्त शीर्षक भी देना है, इतना कुछ जो लिखा एक शीर्षक भी होगा। आज मैं बता देता हूँ शीर्षक और कुल लिखना कितना होगा, बाद में कभी देंगे गृह कार्य तो उसको अपने से बना के डाल। शीर्षक स्वाभाविक है राष्ट्रभाषा ही, ठीक है, ये हिंदी जो है राष्ट्रभाषा ही थी, एक शीर्षक तुम दे सकती है, और भी शीर्षक, शीर्षक जितना छोटा हो उतना बेहतर है, शीर्षक अधिक से अधिक हो, तीन शब्द से ज्यादा नहीं, समझे, तीन शब्दों से ज्यादा जो है शीर्षक नहीं हो। तो यहां पर एक शीर्षक दे सकता है अच्छा शीर्षक, राष्ट्रभाषा हिंदी, और उसके नीचे एक रेखा की यहां पर तुम लिख सकते हो शीर्षक, ठीक है, दूसरा कैसे नहीं, अगला पृष्ठ से लिखो फ्रेश फ्रेश लिखो, तो उसके शीर्षक में दिया उन सब को 38 में ही कितना को बांधना है, 115 जो शब्द है उसको क्या करोगे 38 में लिखना है, तो लिखो हिंदी, हिंदी लिखो, हिंदी हमारी न सिर्फ मातृभाषा है, जो बोल रहे बात वो लिखो, हिंदी हमारी न सिर्फ मातृभाषा है, कोमा इसके बाद कोमा बोल रहे हैं अल्पविराम, अपितु, अपितु, ये अपितु जो शब्द है ये तुमको रोक रहा है, या जो अल्पविराम या कोमा भी है यह क्या करता है, थोड़ा सा रोकता है कुछ करने के लिए, कि हम जो ये चीज कहे अभी जो जो कथन मेरा है उस कथन में कुछ न कुछ जो है बात है, अवरोध है ना, कभी उसको रोक रहा है, तो उसके बाद क्या है, अभी तू राष्ट्रभाषा, अभी तू राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी है, अपितु राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी है, उर्दू मिला 14 सितंबर 1949 से हम 14 सितंबर 1949 से हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, पुण्यग्राम, पुण्यग्राम तमिलनाडु आदि राज्य, दो शब्द से ज्यादा हो जाए तब इत्यादि, और दो शब्द तक ही रहे तब किसका प्रयोग करते हैं, आदि का,
आदि तो वृद्धि वाला आदि नहीं है, वो अदरक हो जाएगा, आदि मत्स्य वाला। तमिलनाडु आदि राज्य के द्वारा, आदि राज्य के द्वारा हिंदी का विरोध करने के बावजूद, हिंदी का विरोध करने के बावजूद यह हमारी राष्ट्रभाषा है, के बावजूद, विरोध करने के बावजूद यह हमारी राष्ट्रभाषा है। हम गिनो शब्दों को, यह हमारी राष्ट्रभाषा है, शब्दों को गिनो। हिंदी में न सिर्फ जो है शुद्ध शुद्ध लिखना ही हो, लिखावट भी सुंदर होनी चाहिए। ठीक, हम अपना परिधान जो इतना अच्छा सब पहनते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सुंदर बने, उसी तरह लिखने का भी प्रयास हो कि सुंदर हो। कितना हो? 41, 40 में दो जो है उसमें माइनस करना कोई चीज, तो जिसे विरोध करने के बावजूद, तो विरोध के बावजूद भी तुम लिख सकती है, करने हैं विरोध, करने काट दो, करने काट दो, उसके बाद कोई एक शब्द काट दो, इसके बावजूद, इसके अलावा भी जो है, अगर 38 है तो 40 हो सकती है, अगर 38 है तो 36 भी हो सकती है, 38 है तो 37 भी हो सकती है, एक दो का अंतरा यात्रा चलेगा। तो नीचे लिख दो, जैसे कि नीचे लिख दो शब्द संख्या, संक्षेपित शब्द संख्या, नीचे क्या लिखना, संक्षेपित, संक्षेपित शब्द संख्या, शब्द संख्या बराबर 38, ये तुम्हारा संक्षेपण हो गया। रफ लेकिन अलग पेज में करना, या लिखना रफ कार्य, ठीक है। आज का अध्याय जो ये रहा, मेरा नाम सदानंद पाल, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, ठीक। इसी का फिर जब आगमन होगा, इससे पहले जो है विशेष पिता देना चाहिए। और उनमें से कोई एक जो है, अगर तुम्हारे पास कोई किताब भी है, पाठ्य पुस्तक है, उससे भी कुछ, जैसे कि 100 शब्द लिख लेना किसी भी, और संक्षेप करने का प्रयास करना, फिर अगली कक्षा में जो है, अगले दिन जो है, उसे लिख दूंगा, ठीक है। तब तो धन्यवाद, शुक्रिया।